वैसह रासह। आप ऐसे समझ लो, भगवान का जो दंड कारण मन में भगवान श्री रघुनंदन राम जब गए हैं, तो ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान का जब दर्शन किया तो इनको देख करके मन में यह भाव आया कि इनको हम आलिंगन करें। कहा, हे रघुनंदन राम, आपको आलिंगन करने की इच्छा है। रघुनंदन राम ने कहा, प्रभु मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, हम क्षत्रिय हैं और साधु संतों को तो हम प्रणाम करते हैं, उनको आलिंगन कैसे कर सकते, ये तो हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। और हे रघुनंदन राम, आज तक इस वैराग्य मन में कभी कोई अनुराग किसी के प्रति नहीं जागा, लेकिन आपको देखने के बाद में न जाने क्यों इस वैराग्य हृदय में अनुराग का प्रवेश हो गया, इसलिए आलिंगन करना चाहते हैं, मुख चुम्बन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, तब प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी आपको, अभी नहीं, कृष्णावतार में आप सब गोपी भाव से प्रकट होंगे, सबके सब गोपी। गोपी का अर्थ क्या है, दो शब्द हैं इसमें, गो और पी। गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, गो भी इंद्रिय ही श्री कृष्ण रसम पिबती यासा गोपी, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण रस का निरंतर पान कर रही हैं, वो है गोपी। आंखों से दर्शन, कानों से श्रवण, वाणी से नाम, हृदय से चिंतन, मस्तक से नमन, पांव से मिलन के लिए चलना, हाथ से सेवा, प्रत्येक इंद्रियां जो ठाकुर के काम में लग गई। देखो सज्जनों, इंद्रियों का साफल्य तो तभी है जब हमारी इंद्रियां भगवान में लग जाएं पूर्ण रूप से। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम, ये वाणी वही धन्य है जो भगवान का नाम ले रही है। अब इसको ऐसे ले लो, हमारे गुरुदेव कहा करते रहे कि अपने आप को घर का मालिक मत समझो, मुनीम समझो। क्यों? बोले जितने हार्ट फेल होते हैं सब मालिकों को होते हैं, मुनीम को कभी नहीं होता। घाटा हो गया, मरे तो मालिक मरेगा, मुनीम का क्या बिगड़ेगा? मुनीम अपना मानता ही नहीं है, उसको फायदा होगा तो मालिक का, घाटा हुआ तो मालिक का, मुनीम को तो पगार से मतलब है। मुनीम क्या करता है, पूरी बैलेंस शीट तैयार करके और मालिक को दे देता है। साहब, बोले क्या आया मुनीम जी इस बार? साहब थोड़ी कंपनी लॉस में चल रही है। अच्छा, और साहब मेरी पगार? लीजिए, आप तो पगार लीजिए, कंपनी भले ही लॉस में चले, आपको तो पगार से मतलब है। अरे साहब क्या करें, आप परिवार है तो करना क्या है, सारा हिसाब किताब लेना है और बाद में जाकर के अपनी इंद्रिय रूपी नौकरों से हिसाब किताब लो। अरे नेत्र, तूने आज गोविंद देव जी का दर्शन कितनी बार किया ये बता, आज नरसिंह मंदिर में जाकर कितनी बार दर्शन किया ये बता, आज बांके बिहारी के मंदिर में जाकर तैने कितने दर्शन किए ये बता। और महाराज वाणी से हिसाब किताब लो, आज तैने कितनी बार भगवान नाम लिया। हाथों से हिसाब किताब लो, आज तैने कितनी बार अपने ठाकुर की सेवा के लिए इन हाथों का सदुपयोग किया। पैरों से हिसाब किताब लो, कितनी बार तैने परिक्रमा ठाकुर के मंदिरों की लगाई, तीर्थों की लगाई। एक एक दिन का हिसाब लेना और ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देना। मालिक ठाकुर जी हैं कि प्रभु इंद्रियों का हिसाब ये रहा। अच्छा क्या हुआ? बोले प्रभु इस समय नुकसान में चल रही हैं इंद्रियां, विषय भोगों में भाग रही हैं। अच्छा अच्छा, फिर या फिर फायदा हो रहा है तो आपका भजन कर रही हैं। अच्छा, और हमारी पगार? बोले आपके चरण कमलों की भक्ति रूपी पगार हमको दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, इससे बढ़िया और क्या होगा, हमें तो आपकी भक्ति ही चाहिए। भक्ति करेता छूटे मारो प्राण, भक्ति करेता छूटे मारो प्राण, गुरु जी मान देनी, भक्ति करेता छूटे मारो प्राण, गुरु जी यही मान। Thank you.
Oh.
इसी का नाम है गोपी भाव। सारी इंद्रियां ठाकुर जी में, नारायण भगवान ने बुलाया गोपांगनाओं को, स्वागत भी किया फिर उपदेश किया, स्वागत किया और उपदेश किया। उपदेश करना ही गलत हो गया, ठाकुर को भारी पड़ गया। हाँ, ठाकुर समझे कि जैसे अर्जुन भगत है वैसे ये गोपिकाएं भी भगत है। भगवान ने उपदेश किया और ठाकुर को भारी पड़ गया उपदेश करना। क्यों? जो उपदेश किया गोपिकाएं तो पहले मौन हो गई। प्रेम का सबसे पहला लक्षण मौन। हाँ, जैसे अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हैं। फ्रांस की भाषा फ्रेंच, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी, इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश। ऐसे ही प्रेम की, प्रेम देश की भाषा मौन। प्रेम की भाषा है मौन। गोपिकाएं हुई मौन और फिर प्रेम का रास्ता तैयार हो रहा है। प्रेम का रास्ता? हाँ हाँ, प्रेम का रास्ता। बोले प्रेम का रास्ता कौन सा है? बोले आंसुओं की धार से होकर निकलता है। प्रेम की, प्रेम का रास्ता आंसुओं की धार से होकर के निकलता है। तो कृष्ण के उपदेश को सुनकर के कृत्वा मुखान्यव शुचः श्वसनेन शुष्यत बिंबाधराणी चरणेन भवम लिखन्त्य विषण्णा भग्न संकल्पाः। प्रेम में भी संकल्प होता है। हाँ, प्रेम में क्या संकल्प होता है? अपने प्रियतम को सुख देना, अपने प्रियतम को कष्ट देना प्रेम का संकल्प नहीं है। यही अंतर है प्रेम और काम में। काम अपना निज सुख चाहता है और प्रेम अपने प्रियतम का सुख चाहता है। जबकि अगर देखें तो क्रियाएं दोनों में एक जैसी हैं, दोनों में एक जैसी। आलिंगन करना, मुख चुम्बन करना, जो काम में क्रियाएं हैं वही क्रियाएं प्रेम में भी हैं। लेकिन अंतर दोनों में एक बहुत बड़ा, काम में अपना निज सुख है कि मुझे सुख मिले और प्रेम में प्रियतम को सुख मिले। भगवान गोपांगनाओं के साथ भी हैं रहे और भगवान कुब्जा के पास भी रहे। लेकिन कुब्जा का काम है और गोपांगनाओं का प्रेम है। तो भगवान गलत भिड़ गए हैं। इन गोपांगनाओं को जो उपदेश कर दिया वो कैसा हो गया? अरे भैया, अगर पाव भाजी बने और भाजी में नींबू निचोड़ो, स्वाद वर्धक के लिए तो है। बताओ कौन कौन भाजी में थोड़ा नींबू डालता है? डालता कि नहीं? स्वाद के लिए तो डालते हो। और दूध में नींबू डालोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो भगवान को नींबू डालने की बड़ी आदत पड़ी हुई थी। ये भूल गए कि भैया और व्यंजनों में नींबू डालो तो स्वाद बढ़ा देगा, लेकिन दूध में पड़ गया तो फट जाएगा। गोपिकाओं का विशुद्ध प्रेम धवल दूध के समान, उज्ज्वल दुग्ध के समान है और उसमें भगवान ने ज्ञान की खटाई डाली है। अब देखो इसकी प्रतिक्रिया। अब जब फटी
प्रेम फटा तो बांध टूटा। अब कृष्ण को देखो क्या उत्तर देती है। भगवान क्या कह रहे हैं, लौट जाओ, लौटने की सलाह देते हैं। अगर लौटाना ही था तो बुलाया क्यों था, अगर लौटाना ही था तो बुलाया क्यों था। और कन्हैया तूने हमें काम नहीं समझा है क्या, काम के लिए हम तेरे पास आई हैं? अगर काम ही पाना होता तो हमारे घर में पति ही बहुत है, फिर क्यों आई हो? बोले हम काम के लिए नहीं आई हैं, हम तो अपने घनश्याम के लिए यहां पर आई थी। और तूने कहा हम युवती हैं, जवान हैं, सुंदरी हैं, तो सुन हम कामनी नहीं हैं। पहली बात तो हम हैं कौन, सुन ले ये भी उत्तर, हम सन्यासिनी हैं। आ गया दंडकानन उनके ऋषियों का भाव, हम सन्यासिनी हैं। ये हाड़ मास के देह से प्रेम करना हमें नहीं आता, हम सन्यासिनी हैं। सन्यासिनी किसे कहते हैं, सन्यास किसे कहते हैं, जिसका सब कुछ छूट गया हो उसका नाम सन्यास है। सम्यक प्रकारेण न्यासः सन्यासः, सन्यास छोड़ने का नाम नहीं है, सन्यास छूट जाने का नाम है। छोड़ना और छूट जाना उसमें बहुत अंतर है। अगर छोड़ा गया है तो छोड़ने का अभिमान भी साथ हो जाएगा, मैंने छोड़ा, और छूट जाए तो क्या अभिमान करोगे। सन्यास संसार से भागने का नाम नहीं है, सन्यास जागने का नाम है। जब आम पकता है तो तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप टूट जाता है। जब जीवन में वैराग्य परिपक्व होता है, पकता है, तो संसार छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। नारायण अब तो क्या कहना, भगवान को आज गोपिकाओं ने कहा, बोले हे कन्हैया सुना बारे हो हमारी बात, तूने कहा कि पति की सेवा करो, नारी को यही धर्म है, तो हमसे सुन ले, कौन पति की सेवा करें, शरीर का जो पति है उसकी सेवा करें कि आत्मा का जो पति है उसकी सेवा करें। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब शरीर नहीं था तब कौन पति था, और जब शरीर नहीं रहेगा तब कौन पति होगा। भाव बोले शरीर के धारण करने से पहले भी हम आत्मा थे, और शरीर धारण शरीर छोड़ने के बाद भी हम आत्म तत्व ही रहेंगे। इसलिए हे कन्हैया देह का पति तो कोई भी हो सकता है, आज ये है कल वो है परसों ये है, लेकिन हमारी आत्मा के असली पति तो तुम हो कृष्ण, हम तुम्हें पहचानती हैं। आत्मा रामो प्यरी रमा। और महाराज ये स्पष्ट बात है, स्पष्ट उल्लेख है, गोपीना तत्पतीनां च सर्वेषां एव देहिना योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देह भाग। हमारी आत्मा के पति कृष्ण, कृष्ण टुकुर टुकुर कर रहे थे, जैसे कोई सुनार होता है ना, टक 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 करता है। गोपिकाओं ने एक हथौड़ा मारा खींच करके, कृष्ण का टुकुर टुकुर हो गया बंद। बोले जो तुम कहो करने को तैयार है। अब तो लेकर के जब चले हैं तो आलिंगन भी करते हैं सब, लेकिन गोपिकाओं के कंधे पर हाथ देते हैं, गोद में बैठा लेते हैं, कंधे पे बैठा लेते, प्रेम प्रेम की जो क्रियाएं हैं वो सारी क्रिया चली। गोपांगनाओं के मन में अब भाव आ गया कि हमसे ज्यादा भाग्यशालिनी आज धरती पर कोई नहीं है। आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽप्यधिकं भुवि, धरती पर हमसे ज्यादा भाग्यशालिनी आज कोई नहीं है, बस यही कमी आ गई। भगवान को पाने के बाद भी आप ये मत समझना
कि हमारा जीवन कभी गिर नहीं सकता। भगवान को पाने के बाद भी जीवन गिर सकता है, और भगवान को जब तक नहीं पाया है तब भी गिरने के पूरे पूरे चांसेस तो उस समय पे भी है। तो अंतर क्या है? फिर गिरना ही निश्चित है कि भगवान को ना पाओ तो भी गिरना निश्चित है, और भगवान को पाओ तो भी गिरने की संभावना है। तो फिर अंतर क्या है भगवान को ना पाने और भगवान को पाने में? तो बहुत बढ़िया अंतर बताया। बोले क्या, अगर भगवान को नहीं पाया और गिर गए तो फिर गिर ही गए, लेकिन भगवान को पाने के बाद यदि गिर भी जाओगे तो भगवान तुम्हें उठा लेगा। यही अंतर है। फिर हम भगवान के भरोसे हैं, फिर उठाने वाला भगवान है, फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। दो भक्त हैं, एक है प्रेमी भक्त और एक है ज्ञानी भक्त। दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानी कहता है भगवान हमारी आत्मा है, प्रेमी कहता है भगवान मेरे बहुत निकट है। ज्ञानी कहता है भगवान मेरे निकट है, और प्रेमी कहता है मैं बहुत भगवान के निकट हूं। तो दोनों भगवान के पास आते हैं, चर्चा होती है। भगवान से ज्ञानी ने कहा प्रणाम करते हुए, भक्त ने भी प्रणाम किया, पूछा कि प्रभु आपका ज्ञानी से क्या संबंध है और आपका प्रेमी से क्या संबंध है, ये संबंध बताइए। भगवान कहे हे भगवान, एक एक करके आना चाहिए था, दोनों एक साथ आ गए। अगर एक एक करके आते तो एक एक को राजी कर देता, दोनों सामने खड़े हो, सामने पूछ रहे अभी बताइए। भगवान ने कहा सुनो भैया, ज्ञानी मेरी आत्मा है। भक्त उदास हो गया, ठीक है जाने लगा। भगवान ने कहा अरे भक्तराज रुको, सुनो तो सही, अब सुनने को बचा क्या है? आपने तो ज्ञानी को अपनी आत्मा कह दिया, अब इससे ऊपर क्या चीज है? अरे पूरी बात तो सुन ले बाप, इधर आ। बोलो ज्ञानी मेरी आत्मा है, ठीक बिल्कुल, लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मेरी आत्मा है, वो बड़ा बेटा है, लेकिन भक्त मेरा छोटा बेटा है। बड़े बेटे और छोटे बेटे में अंतर क्या है? बोले बेटा छोटा है तो मैया बाप उसका ध्यान रखते हैं, और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो मैया बाप का ध्यान रखता है। तो ज्ञानी हमारा ध्यान रखते हैं, ज्ञान के बल पर प्रतिष्ठा करते हैं कि भगवान है, और प्रेमी का ध्यान मुझको रखना पड़ता है। गांठी में बांधत नहीं, गांठी में बांधत नहीं, और मांगत में सकुचार। अपनी गांठ में कुछ बांधता नहीं कि कल खाने को मिलेगा, ध्यान देना। कई लोग ऐसे होते हैं फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। बोले क्यों जमा कर रहे हो? अरे कल को कुछ हो गया तो विपत्ति के समय काम आएगा। ये है ज्ञानी, ज्ञान है इसके अंदर, जानता है कुछ भी हो सकता है तो कुछ खजाना रखना चाहिए। लेकिन भक्त गांठी में बांधत नहीं, न बांधता है गांठ, और मांगत में संकोचार, मांगने में संकोच करता है, हम नहीं मांग सकते। तो बाके पीछे पीछे हरी फिरे, कहीं भूखो ना रह जाए। तो बाके पीछे पीछे हरी फिरे, भूखो ना रह जाए। ये भक्त मांगता भी नहीं और कल के लिए इकट्ठा भी नहीं करता, तो भगवान उसे भूखा कभी नहीं रखते, नित्य उसके उसके पालन की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि जीवन भगवान के भरोसे है। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। अगर तुम्हें चिंता करनी है तो तुम भक्त नहीं हो सकते, और भक्त हो तो फिर चिंता किस बात की? हमारे हैं श्री रघुनंदन, हमें किस बात की चिंता? चरण में रख दिया जब माथ तो फिर किस बात की चिंता? क्यों चिंता करो? चिंता करते करते मर गए, गए चिंता करने वाले, मौज नहीं उड़ा पाए। मौज तो उसने उड़ाई जिसने भगवान का चिंतन किया है, असली मौज तो उसने ही उड़ाई है।
नारायण, भगवान अंतर्धान हुए क्योंकि गिर रहे हैं, इनको संभालना है। तो पहले संभालने के लिए जिस प्रकार की शिक्षा मुझे देनी है वो करना है। मिले, अब मिल करके अलग हुए, बिछुड़े, बिछुड़े। अब ये गोपिकाएं रो करके कृष्ण को ढूंढती हैं, भगवान राधा को लेकर अंतर्धान हुए हैं। राधा का श्रृंगार अपने हाथ से भगवान करते हैं, और जो श्रृंगार करते हैं तो राधा को दर्पण दिखाते हैं, राधा देखो कैसी लग रही हो। बोले हे कृष्ण, आपके हाथों से श्रृंगार हो और उसके बाद भी कोई कमी रह जाए, परिपूर्ण है। महाराज, भगवान ने कहा राधे अब आगे चलें। बोले कृष्ण पैर में दर्द बहुत हो रहा है। भगवान ने कहा कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं है जो तुमको बैठाई दूं यहां पर? एक काम करो राधे, तुम हमारे कंधे पे बैठो, हम नीचे बैठते हैं। भगवान नीचे बैठे, राधा रानी कंधे पर बैठने को उद्यत हुई, भगवान राधा को भी छोड़कर अंतर्धान। राधा को छोड़ने का भाव क्या था? राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, दोनों एक हैं। हाँ, बोले कैसे एक हैं? यथा तुम च तथा हम च, भेदो ही नावयो ध्रुवम। यथा क्षीरे च धावल्यम, यथाग्नौ दाहिका सती। जैसे दूध और दूध की सफेदी, अग्नि और अग्नि की वह जलाने वाली शक्ति, वो दो नहीं है। दाहिका शक्ति और अग्नि दिखने में भले ही दो हो सकती है, दिखने में भी एक ही है। दूध और दूध की सफेदी, अग्नि और अग्नि की जलाने की दाहिका शक्ति, वो दोनों एक हैं। यथा पृथिव्याम गंधश्च तथा हम त्वयि संततम। जैसे पृथ्वी और पृथ्वी की गंध एक ही है, ऐसे श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों एक हैं। जो राधा और कृष्ण में भेद करता है वो नरक में जाता है। यहां तक लिखा है जो राधा को कृष्ण से और कृष्ण को राधा से अलग करता है, अलग समझता है, वो कालसूत्र नाम करके नरक में जाता है। और कब तक रहता है? जब तक चंद्रमा और सूर्य आकाश में रह रहे हैं। आवयोर बुद्धि भेदम च सकरोति नराधम, तस्य वासः कालसूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरौ। और महाराज, दोनों का तत्व एक, दिखने में दो हैं, दोनों एक ही हैं। भगवान का राधा को छोड़, राधा के सामने से अंतर्धान हो जाना का भाव यह है कि गोपिकाएं भटक रही हैं, उनको भगवान कब मिलेंगे? बोले राधा जब गुरु के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाएगी। जब तक राधा गुरु के रूप में उन्हें प्राप्त नहीं होती, तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे। भाव यह है कि बिना गुरु के भगवान मिलना असंभव है, संभव ही नहीं। और गुरु, गुरु कैसे मिलते हैं? बोले गुरु मिलते हैं कृपा से, गुरु मिलते हैं कृपा से। बिना कृपा के भी गुरु नहीं मिलेंगे। जब तक बुद्धि में गुरु की परीक्षा का भाव है तब तक गुरु नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारे अंदर वह सामर्थ्य ही नहीं है कि हम गुरु की परीक्षा ले सके। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शरीर का नाम नहीं है। जैसे LIC पॉलिसी है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, गुरु वो तत्व से भी ऊंचा तत्व है कि जीवन से पहले भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी गुरु सदैव रहता है। गुरु का अभाव कभी नहीं होता। और उसके बाद में राधा रानी की प्राप्ति इनको होती है। अच्छा, गुरु भी मिले कब? यह बड़ा विचित्र प्रश्न है। यहां पर गुरु मिले कब? जब इनके जीवन में तड़पन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई है। गुरु मिले कब? गुरु की प्राप्ति की तड़प जब एकदम चरम पर पहुंच गई है तब इनको गुरु मिले हैं। हमारे जीवन की तड़प जिस दिन वहां तक पहुंच जाएगी, गुरु सामने आ जाएगी। अभी हमारे जीवन में वो तड़प ही नहीं रही। और जिनको जीवन में गुरु मिल गए हैं उनका तो कहना ही क्या।
नारायण, ये कृष्ण के पाने की लालसा में एकदम, कोई कहता है हमसे बिना गुरु के भगवान मिल जाएंगे, संभव नहीं है क्या? हम कहते हैं संभव तो छोड़ो, सोचना भी, सोच में भी नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है। क्यों? बोले रोटी जब बनती है तो अग्नि पर बाद में रखी जाती है, तवे पर पहले रखी जाती है, और तवे पर भी कब रखी जाती है? जब गर्म तवा हो, ठंडे तवे पर नहीं रखी जाती। तो गुरु जीवन में कब मिलते हैं? जब भगवान को पाने के लिए जीवन में उतना ही तप्त हृदय हो जाए, तब जाकर के गुरु की प्राप्ति होती है। राधा रानी मिली है, राधा ने इनको गुरु मंत्र की दीक्षा दी है, और गुरु मंत्र क्या है? अब प्रेम से उसको पुकारो। इन सब ने भगवान को पुकारा, केवल मैं एक श्लोक शुरू का और एक श्लोक विश्राम का कह रहा हूं, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। आज झांकी स्वरूप के लिए विलंब हमको हुआ है, इसलिए हमने कथा को भी थोड़ा आनंद के साथ यहां तक किया, लेकिन समय कम है। गोपी गीत प्रारंभ हो रहा है। हाँ, हम इस सूत्र से करेंगे गोपी गीत को। आदि रंतेन सहित, आदि पहला कहेंगे, अंतिम कहेंगे, और साथ में, क्योंकि हमसे गोविंद देव जी के प्रतिनिधि का कल ये कहना है कि गोपी उद्धव संवाद पर कुछ चर्चा करें, तो आज वो चर्चा हम विशेष रूप से यहां कर ले, फिर आएंगे दोबारा, फिर अभी कहेंगे, इसका आनंद लो। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा Yeah.
यति सुजात चरणा पुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीः महि कर्कशेषु कूर्वादिभिर्भ्रमतिभि भवरा विश्राम होता है भवदायुषाम। सबसे पहले मिली नहीं हो तो कह रही है जय हो, एक कन्हैया आपकी जय जयकारो प्रशंसा कर रही है कि कम से कम प्रशंसा के बहाने ही आ जाए हमारे पास। जयति तेदिकम, जयति तेदिकम, तेरी जय हो कृष्ण, तेरी जन्मलीनी से हमारे ब्रज की जय जयकार हो गई है। एक इतना कहा नहीं आए, दूसरी गोपी बोलती है प्रशंसा मत कर ज्यादा इसकी, क्यों ये प्रशंसा के योग्य ही नहीं है। अरे कन्हैया तू जहां कहीं भी है सुन ले। अब दूसरी गोपी उलाहना देती है, एक गोपी ने प्रशंसा करी, दूसरी गोपी उलाहना देती है, क्यों, क्या पता उलाहने के बहाने ही आ जाए, उलाहना सुनने के बहाने ही आ जाए। गोपिकाओं का भाव केवल एक है, आ जाए। भगवान गाली भी सुनना चाहते हैं तो गाली सुनने के, हाँ भगवान तो उनका उद्धार करते हैं। बोले किन का? बोले योगी का उद्धार नहीं करते भगवान। कैसों का उद्धार करते हैं? बोले गाली देने वाली पूतना जैसे का उद्धार करते हैं। विचार करो, माता की गति देते हैं तो गोपांगनाएं भी विचार करती हैं संभवतः गाली इसको प्रिय हो, क्योंकि शिशुपाल ने भी गाली दी थी उसको भी उद्धार कर दिया, पूतना ने भी विष दिया था उसका भी उद्धार कर दिया। ये ऐसों का उद्धार करता है जो इसको गाली देते हैं, तो हम गाली दे दें इस बहाने ही आ जाओ। पहले जयकार करते हैं फिर उलाहना देते हैं और तीसरी बात पे फिर आर्त हो जाते हैं। आर्त होने का भाव कन्हैया दैत दृश्यता इन इन आंखों के आगे दर्शन तो दे दे, दिक्षु ताव का एक बार आ जा, हमसे कोई गलती हुई है तो हम कान पकड़ के क्षमा चाहती हैं, लेकिन सत्य सत्य कहती है कन्हैया हम तो उससे बहुत प्रेम करती, अगर हमसे कोई कष्ट है तो कह दे हम वो नहीं करेंगी जो तुझे कष्ट देता होगा, लेकिन कम से कम आंखों के सामने तो आ जा, हम तुझसे बहुत प्रेम करती हैं। जब गोपांगनाओं ने ये कहा कि हम तुमसे बहुत प्रेम करती हैं तो भगवान मानो इनके हृदय में प्रकट हो गए हैं और कहते हैं प्रेम, तुम मुझसे प्रेम करती हो, सच्चा प्रेम तो इस धरती पर कहीं होता ही नहीं है, कपट रहित प्रेम तो इस धरती पर होता ही नहीं है, कैतव रहित प्रेम न भवति मानुष लोके, कैतव कहते कपट को, कपट रहित प्रेम इस मनुष्य लोक में कहीं नहीं होता। मनुष्य स्वार्थ का प्रेम करता है, ये मेरा भाई है तो प्रेम करेगा, पत्नी है तो प्रेम करेगा, पड़ोसी है तो प्रेम करेगा, शत्रु से प्रेम कर सकता है? नहीं करेगा। भाई भी शत्रु बन जाएगा तो उससे भी प्रेम नहीं करेगा,
जब तक भाईपना है तब तक प्रेम है। इस संसार में जहां देखो वहां स्वार्थ का प्रेम है, कपट रहित प्रेम कहीं नहीं है। और यदि तुम्हारा प्रेम कपट रहित है, यदि भवती तो कस्य विरह हो, सच्चा प्रेम होता तो विरह क्यों होता। और यदि विरह सत्यपि, यदि विरह सत्य है तो को जीवती, फिर जिंदा कौन रहता प्रेमी के वियोग में। और तुम जिंदा हो, अब कन्हैया की आवाज तो सुन ली, अब वार्तालाप शुरू हो गया। सुन कन्हैया, हम तो कब की मर जाती, हम नहीं मर पाई, इसमें भी हमारा दोष नहीं है। क्यों? मृत्यु तो अनेक बार आई हमें मारने के लिए और मार नहीं पाई। बोले क्यों नहीं मार पाई? बोले मृत्यु को जो चाहिए था वो मिला नहीं। क्या चाहिए था? मृत्यु को प्राण चाहिए, प्राण ही तो ले जाती है। और मृत्यु अंदर आई तो अंदर टटोला, हमारे प्राण मिले ही नहीं। बोले हमारे तुम्हारे पास तुम्हारे प्राण नहीं है? बोले नहीं। बोले कहां गए? बोले यदि हमारे प्राण हमारे पास होते तो कब की मर जाती, हमारे प्राण तो तुम्हारे चरणों का चिंतन करने के लिए चले गए। त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते, हमारे प्राण हमारे पास नहीं। फिर भगवान से संवाद परस्पर चलता है। फिर बीच में एक वो प्रसंग आता है कि कन्हैया तुम्हारी कथा जो है वो अमृत है, अमृत है। कथा सुनते हैं तो हम जी पा रहे हैं, और जो कथा कराने वाला है वो भी धन्य है। क्यों? कम से कम तुम्हारी कथा के बहाने हमें वेंटिलेटर तो मिल ही जाता है, तुम्हारी कथा के बहाने हमें जीवन तो मिल ही जाता है। इसलिए कथा का दान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा दानी है। सोना चांदी दान करने वाला दानी नहीं है बड़ा, हीरे मोती पन्ना दान करने वाला बड़ा दानी नहीं है, जमीन दान करने वाला बड़ा दानी नहीं है। बोले दानी कौन सबसे बड़ा है? जो भगवान की कथा का दान करता है वो दानी सबसे बड़ा दानी है। और अंतिम में जो गान किया है, संपूर्ण पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद सर्वश्रेष्ठ है, दशम स्कंद में राजपंचाध्यायी सर्वश्रेष्ठ है, राजपंचाध्यायी में गोपी गीत सर्वश्रेष्ठ है, गोपी गीत में अंतिम श्लोक सर्वश्रेष्ठ है, और अंतिम श्लोक में अंतिम चरण सर्वश्रेष्ठ। कौन सा? भवदायुषां नः, भवदायुषां नः, भवदायुषां नः। भवदायुषां नः अर्थ भवान माने आप, एव निश्चयवाचक शब्द है, आप ही, आयु आप ही हमारी आयु हो। मिलोगे तो जीवन, नहीं मिले अब मरण। आयु खत्म होने पर तो मरना ही होता है, अब हमारा मरण निश्चित है कि नहीं है। और महाराज जो ये कहा हम मर रही है अब, तो भगवान का संकल्प है अपने भक्तों को म्रियमाण से बचाने के लिए भगवान का अवतार होता है। अनाथ बंधु करुणैक सिंधु हाहंत हाहंत कथम नयामि इति गोप्यः प्रगायय प्रलपत्यश्च चित्रधारुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासाविरभूच्छोरी स्मयमानमुखाम्बुजः पर धर सृगवी साक्षात मन मथ मन मथ साक्षात मन मथ मन मथ। गोपी गीत का पाठ कभी भी करो
तो 19 श्लोक गोपी गीत में भले ही हो लेकिन पाठ 21 श्लोक का करना, 19 नहीं। क्यों? हमारे गुरुदेव कहा करते कि भैया रोती हुई तड़पती हुई गोपांगनाओं को कृष्ण से मिला देना चाहिए, कृष्ण के विरह में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आगे के 2 श्लोकों में कृष्ण के साथ मिलन है भगवान। अच्छा एक बात बताएं, भगवान कहीं गए नहीं थे? हाँ यहीं थे, गए कहीं नहीं थे। अगर भगवान कहीं चले जाते तो यह श्लोक गीता का गलत हो जाता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शी भी, कि मेरा अभाव कहीं नहीं होता, मैं सर्वत्र हूं, सर्वकाल हूं, सब जगह हूं। अगर भगवान सर्वकाल सर्वत्र हैं तो फिर यहां पर नहीं होने पर गीता का श्लोक झूठा हो जाता। तो भगवान थे तो यहीं पर, लेकिन कैसे थे? बोले घूंघट ओढ़ा हुआ था, अनंत अनंत गोपांगनाएं हैं और घूंघट ओढ़ करके उनके बीच में भगवान भी हैं। कैसे? जैसे अनंत चंद्रमा अनंत तारों के बीच में एक चंद्रमा रहता है और वो भी छिप जावे कभी बादलों में, चंद्रमा बादलों में कभी छिप जावे और थोड़ा सा दिखाई दे तो तारे के समान दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो भगवान भी तारों के बीच में तारों की तरह ही दिख रहे हैं। लेकिन जब गोपांगनाओं ने कहा कि तुम हमारी आयु हो, मिलोगे तो प्राण बचेंगे, नहीं मरने की तैयारी, तो भगवान ने तुरंत ही वह कपड़ा हटाया। साक्षात मनमथ मनमथ भगवान प्रकट हो गए। बोली रास विहारी भगवान की जय। और अब गोपांगनाओं का रास प्रारंभ हो रहा है। अब मैं इतना कहूंगा, इस रास में कामदेव ने बाण चलाए हैं, 5 बाण, स्तंभन मोहन आदि, 5 बाण छोड़े, जो छोड़े तो भगवान के कामदेव के पास पुष्पों के बाण हैं, फूलों के। कामदेव के पास जो धनुष है उसका नाम है पुष्प धनवा, पुष्पों का धनुष है। जब प्रिया प्रियतम, एक साधारण लौकिक बात ही करता हूं कि जब लौकिक उदाहरण से अलौकिक दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं, जब कभी प्रथम सुहागरात जिसे कहते हैं वह होती है तो फूलों से सेज सस्ती है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहां पर विवाह के समय फूलों की सेज तो सजा दी, लेकिन यह सेज क्या रोज सजाई जाती है? रोज तो नहीं सजाते। यह साधारण लौकिक है कि जहां पर केवल आज विवाह हुआ है, सुहागरात है, तो पुष्पों से सजा दिया, लेकिन हमारे ठाकुर का तो रोज ही फूलों का श्रृंगार होता है, रोज ही आनंद होता है। ये अंतर है ठाकुर और साधारण मनुष्य। और महाराज कामदेव के बाण हो गए निष्फल, एकदम निष्फल। कामदेव हो गया पराजित, ठाकुर के चरणों में आया है। भगवान ने कहा कामदेव मैया बाप एकांत में बैठे हो तो बच्चों को नहीं रहना चाहिए, चलो जाओ यहां से। कामदेव गया है तब महारास का प्रारंभ हुआ है। और इस महारास में शंकर जी भी आए। एक बहुत बढ़िया पद, पुराना प्राचीन, शंकर जी आते हैं तो ये पुरानी धुन है, पार्वती जी चल रही है और शंकर जी उनसे कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, हम यही सुनना चाहते थे, आपको याद नहीं है। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी ना
छूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे स्वामी क्या कहें, आप चल नहीं सकते, क्यों नहीं चल सकते? उत्तर देती है पार्वती जी, मोहन की सिवा वहां कोई पुरुष ना जावे, रास में वहां रास में। मोहन की सिवा वहां कोई पुरुष ना जावे, रास में वहां रास में। तो एक काम करो, हमें भी स्त्री बना दो। कैसे बना दे? लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन। वृंदावन आ गए हैं, शंकर जी आए। अब एक बात बताएं, गोपी के भाव से प्रकट हुए हैं। दे पार्वती कह रही है कि आपके स्वरूप पर तो हम बलिहारी जाएं, ऐसा सुंदर रूप आपने बनाया है, चलो लेकर साथ में चलते हैं। पार्वती शंकर जी को लेकर आती है। पार्वती जी के बगल में खड़ा हुआ देखा तो भगवान को थोड़ा लगा कि कौन नई सहेली आई है। कहा पार्वती से, पहले पास में आए, अरे कौन सहेली है, घूंघट लगा रखा, दिखावे नहीं चेहरा, क्योंकि एंट्री नहीं मिलेगी नहीं तो छिप करके आए हैं। तो भगवान समझ गए, देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोला नाथ रे, भोला नाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोला नाथ रे, भोला नाथ रे। सर से खिसक गई जब सारी मुस्काए बनवारी, वृंदावन आ गए हैं वृंदावन। जब सारी मुस्काएं बनवारी, वृंदावन आ गए हैं वृंदावन, आ गए हैं वृंदावन, आ गए हैं वृंदावन, आ गए हैं। सुंदर महाराज का प्रारंभ हो रहा है, शंकर जी भी आ गए गोपी भाव से। आकाश में देवताओं ने वाद्य बजाने प्रारंभ कर दिए। एक कृष्ण दो गोपी, मध्य में श्री कृष्ण, दोनों के कंधे पे हाथ लगे। दो कृष्ण एक गोपी मध्य में, वो जब हाथ बढ़ावे तो कृष्ण के कंधे पर। दो गोपी के मध्य में एक कृष्ण है, कृष्ण हाथ बढ़ाते हैं तो गोपी के कंधे पर, और गोपी हाथ बढ़ावे तो कृष्ण के कंधे पर। इस प्रकार मंडल बन गया है। आहा, बहुत सुंदर। रास रचो है, रास रचो है,
हरी रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है।